चलिए दोस्तों, आज मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, घर जाने की तैयारी हो गया है। पहले से भी कुछ कर लिया हूँ, थोड़ा बाकी है, थोड़ा वो भी कर लूँ। अपना जाने की तैयारी हो गया। अब अभी देखिए बच्चों लोगों के लिए क्या पूछूँगा, वीडियो कॉल करके जो पसंद करेंगे वो ख़रीदूँगा मैं उन लोगों के लिए। ठीक है, चल रहा हूँ, थोड़ा शॉपिंग करता हूँ, कपड़े वपड़े थोड़ा बच्चों लोगों के लिए देखता हूँ, पसंद आए तो ले लूँगा, नहीं तो इंडिया से लूँगा। और इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहे परफ्यूम वगैरह वो तो लिया हूँ थोड़ा, फिर और लेने का है क्योंकि यहाँ ज़्यादातर के तो अच्छा चीज़ वही मिलता है, परफ्यूम और इलेक्ट्रॉनिक सामान, गोल्ड वगैरह सब यहाँ ओरिजिनल हर चीज़ मिलता है। तो चल रहा हूँ, आप लोग भी दिखा रहा हूँ, आप लोग भी देखिए क्या क्या मिलता है, किस रेट में मिलता है, हर चीज़ दिखाऊँगा। वीडियो चाहे थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो चलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग देखिए, आप लोग को मज़ा आएगा देखने में। ठीक है, हर एक एक चीज़ बताऊँगा इसमें, और जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, जो रियली बात रहता है बोलता हूँ, किसी को बुरा लगने की बात नहीं है। सब दुनिया में एक जैसे लोग नहीं है ना, हर टाइप के लोग हैं, तो बुरा नहीं लगना चाहिए। हम जो गलत रहेगा, जो कर रहा होगा उसको बुरा लगेगा, जो नहीं उस टाइप का कर रहा है तो उसको क्यों बुरा लगना चाहिए। मैं बहुत कुछ खोल खोल के बोलता हूँ ना हर चीज़, तो जो गलत रहेगा वो सुनेगा तो बोलेगा पोल खोल रहा है, तो उसको बुरा लगेगा। जो नहीं होगा उस टाइप का उसको बुरा लगेगा ही नहीं, वो तो बोलेगा अच्छा बोल रहा है, सही बोल रहा है। आज के जो युग है, आज के जो ज़माने में जो चल रहा है, सास ससुर का मलका ही ख़त्म है। आजकल औरतें जो है मर्द लोग कमा के बाहर से भेजते हैं और उन लोग का मलका ही चालू हो गया है। हर चीज़ का इसमें मैं बताऊंगा, जहाँ तक जो समझ में आएगा याद आते रहेगा बोलते रहूँगा मैं। सुफियान आ जाए, भेजा खा लो, भेजा एकदम फ्रेश भेजा, बकरे का ये भेजा है, ठीक है, एकदम फ्रेश, बहुत टेस्टी लगता है। ठीक है, फ्रेश भेजा है ये, और इसके साथ ये जलेबी खाओ, साथ में थोड़ा और मज़ा आ जाएगा खाने के लिए। और ये रोटी है, तंदूरी रोटी है, उसके ऊपर से थोड़ा जलेबी खा लो, मीठा मीठा, कभी तीखा तीखा, मज़ा आ जाता है खाने में एकदम। ठीक है, देखा होटल सुफियान, तुम ही बोलता है ना कि जब खाओ तब दिखाया करो क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, इसलिए दिखा दिया करता हूँ कि मेरा बेटा को सुकून मिल जाता है कि हाँ मैं भी ठीक से खा रहा हूँ, तुम लोग खा रहे हो तो मैं भी खा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह, टेंशन मत किया करो, मेरा बेटा बहुत टेंशन करता है, बोलता है पप्पा तुम क्या खाते हो क्या नहीं, इसलिए डेली तो दिखा ही देता हूँ, फिर भी पूछता है, एक दिन नहीं डालता हूँ वीडियो, दूसरा दिन पूछ देता है क्या खाया, खाना नहीं खाया क्या कि तुमने वीडियो नहीं डाला। बेटा डेली नहीं डाला जाता है, कभी कभी नहीं डालता हूँ जानबूझ के, तो ये मत सोचो कि नहीं खाया मैंने, खाया, मेरा बेटा को इतना प्यार है मेरे से ना, बहुत प्यार करता है बेटा मेरा। ये कपड़ा जो है ना अरबी लोग पहनते हैं ज़्यादा, ये अरबी लोग पहनते हैं, उन लोग का कपड़ा ये अरबी लोग सिलवाते हैं ना ज़्यादातर, कोई लोग पहनती है ये ना औरत लोग। ठीक है, ये अरबी कपड़ा है, ये दाम कितना है इसका, यानी 149.99 है ना, तो 150, यहाँ के 150 दरहम। ठीक है, देखिए कलर कितने हैं सब, यहाँ की औरतें जो होती है ना अरबी औरतें यही पहनती है ज़्यादातर के, ऊपर से नकाब वगैरह रहता है उन लोग का, हर टाइप का रहता है। पहले भी मैं ख़रीदा था, ले गया था घर के लिए अपना, अभी वीडियो बना दे रहा हूँ। ये कहाँ का है, इंडोनेशिया का है, ये इंडोनेशिया से बन के आया है। और ये कहाँ से बन के आया है, ये भी इंडोनेशिया से ही बन के आया है। दाम कितना है, 70 दरहम, ये थोड़ा हल्का है इसलिए। इधर ये कलर है, अभी ऑर्डर मिलेगा मेरे को घर के लिए तो लेते आऊँगा, वीडियो बना के कल डाल दूँगा मैं, उधर से ऑर्डर मिलेगा कि हाँ ये लाओ लाओ, बच्चे लोग भी जो बोलेंगे वो मैं ले लूँगा। ये कितने का है, 170, वाह क्या ज़बरदस्त बनाया है,
मतलब एकदम भारी भरकम जो औरतें होती है ना, जो एकदम भारी भरकम जैसे, ज़्यादा चुदुर बुदुर नहीं, यानी खानदानी घराने के जो रहेगी वो पहनेगी ना, बहुत अच्छा लगेगा उसमें। गोरी रहेगी ना, कलर गोरा रहेगा, वो पहनेगी तो उसमें अच्छा लगेगा, भारी भरकम है बिल्कुल, ज़्यादा झिक झक नहीं है। ज़्यादा झिक झक रहता है वो समझ में आ जाता है, सब तो पूरी गिरी रहता है ज़्यादा। अभी तो निकाब में भी ना जाने क्या क्या नक्शा बनना चालू हो गया, डिजाइन ऐसा ऐसा जगह बनता है ना कि वहाँ ना जाने डिजाइन बना के दिखाने की ज़रूरत क्या है। अरे सिंपल पहनो, अच्छा देखने में लगे, जिसम ढकने के लिए निकाब पहना जाता है ना, जब ऐसा पहन लो जो कि जिसम ही तुम्हारा दिखे और सब कुछ फिगर बाहर दिखे, तो फिर उन निकाब पहनने से फ़ायदा क्या है, उससे अच्छा पहनो ही मत निकाब। यह अबाया है सही, यह अबाया है, ये कितने का है, 299 का है, यानी 300 दरहम का है ये, यह अबाया है, यह अबाया है। निकाब पहना जाता है मालूम है किस लिए, आँख में लाज शर्म, जिसको है ना, अगर निकाब भी नहीं है ना उसको तो कोई बात नहीं है, निकाब पहन के फिर इश्क बाजी करो, कहीं बैठे रहो तो किसी को नज़रें लड़ाओ, उसको नज़रें देखो, फिर वो निकाब पहन के फ़ायदा ही नहीं है। एक बार का वाकया है, मेरे सामने का नहीं है, मैं सुना हूँ इसे, कोई बाहर ही रहता शायद, अरब अरब रहता था, कहीं अरब कंट्री रहता था, वो बीवी को ले गया घुमाने के लिए दिल्ली, और दिल्ली लेके गया तो जब ट्रेन में लेके गया वो, तो जब उतर के वो प्लेटफार्म पर जाता था ना कहीं कुछ खरीद के ला के देने के लिए, खाने उने के लिए प्लेटफार्म पर गाड़ी रुकती है तो जाता था ना, तो ये जो उसकी बीवी थी तो निकाब क्या करती थी, ऊपर से घूंघट हटा लेती थी, आजू बाजू जो बैठे हैं सब देखने लगते थे उसको, और जब देखती थी ना उसका हस्बैंड आ रहा है गाड़ी में चढ़ रहा है, तो फट से वो अपना निकाब गिरा लेती थी, मतलब मुँह ढक लेती थी। वो नोटिस किया दो तीन बार नोटिस किया उसने कि मैं आ रहा हूँ तो मेरे से ये पर्दा कर लेती है, और चला जाता हूँ नीचे तो मुंह खुला रखती है ये। उसको आया गुस्सा, उसने बोला कि जिससे पर्दा करने का, आम आदमी से पर्दा करने का, तो उनको दिखा रही है मेरे जाने के बाद, मैं आ रहा हूँ तो ये मुंह पर्दा कर लेती है। उसको चिढ़ आ गया, बस दो चार थप्पड़ वो ट्रेन में ही खींच दिया उसको, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ गुस्सा ना, उसने खींच दिया दो चार थप्पड़, इसलिए कि बोलता है कि जब तुमको मेरे से पर्दा क्या करना है, जिससे पर्दा करने का उसके उसके साथ पर्दा नहीं कर रहे हो और मेरे से पर्दा कर रहे हो। वो नोच नाच के फेंक दिया, वो नोच नाच के फेंक दिया वो नकाब होगा, बोला कि तब उससे अच्छा तुम लगाओ ही मत, सिर्फ मेरे को दिखा रही है, तो मैं तो बाहर रहता हूँ, तब तो घर पर रहती होगी तो दिन भर ऐसे ही नाचती होगी बाजार में तुम इधर से उधर। आजकल देखिए ना, ज़्यादातर के जो बाहर कमा रहे हैं और पैसा भेज रहे हैं घर पे, तो उनकी औरतें को देखिए, पूरा मालिक वैल्यू बने हुए हैं, मार्केटिंग उन्हीं का चालू है सब। ये चप्पल देखो कितने का है, ये 58 दरहम का, 58 दरहम का है, उतना कोई खास नहीं है, पहन के चलने में कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो लाज शर्म जो है ना आँख में होना चाहिए, और निकाब पहनने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत लोग दिखाने के लिए पहनते हैं निकाब निकाब निकाब, मैं तो खुलम बोलता हूँ अपने फैमिली को, अपने को मालूम है ना कौन किस टाइप का है, जब अपने आप को खुद भरोसा है कि हमारी फैमिली बिल्कुल 100% सही है, तो फिर उसमें करना क्या है। मैं तो बोलता हूँ कहीं चलो तो ऐसे चलो, कोई ज़रूरत नहीं है निकाब पहनने का, फिर भी कहीं फंक्शन वगैरह में जाती है तो पहन लेती है, ऐसे तो बाकी टाइम मिले तो हम जाते हैं घूमने के लिए तो ऐसे ही जाते हैं। झूठ क्यों बोलूँ मैं कि नहीं, बहुत पर्दे में रखता हूँ, बहुत निकाब पहना कर रखता हूँ। अरे निकाब आँख में होना चाहिए, आँख में निकाब है सब सही है, और ज़्यादातर के जो निकाब पहनती है ना वही ज़्यादा सब करती है उल्टी सीधी हरकतें, सब पूरा दुनिया देख रहा है क्या क्या हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही कर रही है निकाब पहन करके, तो गैर मुस्लिम लोग भी, दूसरे लोग भी पहन करके धोखा देते हैं, जाते हैं
इधर उधर, ताकि लोग सोचेंगे कि ये नहीं है दूसरी है। ये सब पर तो घर वाले को नज़र रखना चाहिए ना, अपने आप को सबको पता चलता है मेरा फैमिली कैसा है, मेरी बेटी कैसी है, मेरा बच्चा कैसा है, मेरी बहन कैसी है, सब अपने आप को तो मालूम पड़ता है ना, एक्टिविटी से पता चल जाता है ना इंसान का फितरत। इंसान का फितरत जब पता चल जाए कि गलत टाइप का है तो उसको कंट्रोल करने का ना, बाहर जाने नहीं देने का, खुद को अकेले नहीं जाने देने का, मार्केटिंग करने चाहे कुछ भी। हाँ, हर चीज़ मालूम है कि हर चीज़ फिट है, पूरब से पश्चिम हो जाएगी, ये सूरज उग जाएगा, कुछ नहीं डगमगाने वाला है, तो फिर ही छोड़ो, जाने दो जहाँ जा रहे हैं वहाँ, ठीक है। चलिए अब चल रहा हूँ, अब नीचे चल रहा हूँ, नीचे क्या दिखा दूँ आप लोगों को, परफ्यूम पहले तो दिखा चुका हूँ सब परफ्यूम वगैरह आप लोगों को, बड़ा हो जाएगा वीडियो, और भी वीडियो बनाए हूँ इसमें प्लस कर दूंगा, हो जाएगा सब बड़ा। ओके चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। मैं जो बोला हूँ उसमें जेन्युइन बात बोला हूँ, किसी के ऊपर ये नहीं बोला हूँ। अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इसको, ठीक है। मेरा जो भी बात रहता है ना रियली रहता है, ये बनावटी बात नहीं रहता है, जो आंखों के सामने गुजरा रहता है वही बताता हूँ, ये नहीं कि बनावटी बात बोल के झूठ मूठ के ये कर दो वो कर दो सब नहीं। ये सब परफ्यूम आइटम है, इधर अब क्या होगा ना, कॉपीराइट आ जाएगा, इधर गाना चल रहा है, ऊपर गाना चलते रहता है हमेशा, सॉन्ग्स चल रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा, मेरा 3-4 वीडियो पर कॉपीराइट आ गया, तो उसमें मेरा व्यूज कम कर दिया उसने। ओके चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। वो भाई बोल रहे हैं कि तुर्की का है इसीलिए महंगा है, भाई ने सुन लिया, मैं महंगा बोला तो बोलते हैं कि तुर्की का इसलिए महंगा है। किधर है 35 का, ये किधर का बना हुआ है 35 वाला? हाँ तो चाइना तो रहेगा, हाँ इधर सामने ही लिखा हुआ है चाइना, ये तुर्की का है इसलिए महंगा है, ये तुर्की है। चलिए ठीक है, थोड़ा थोड़ा हर आइटम दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। ये सब ट्रैक सूट है 40 दरहम का, पहन के सोने के लिए, चाहे कहीं जा भी सकते हैं पहन के। इतना कोई खास नहीं दिख रहा है ट्रैक सूट। उधर एक है अलका वाइल्ड, पहले मैं वीडियो बना के आप लोगों को दिखाया था अलका वाइल्ड का, उसमें एक से एक रखा है, उधर से ही लूँगा, कपड़ा लेना रहेगा तो उधर से ले लूँगा, बहुत अच्छा अच्छा रखा है उधर, जैसा चाहिए वैसा उधर है। ये कितने का है ना, ये सब सही नहीं है। ये ट्रैक सूट है 97-99 यानी 98 दरहम का है, 98 दरहम का लगभग ये 2200 का हो गया, ये 2200 रुपये का है वो। ये सस्ता है, ये 20 दरहम का है, ये तो लगता है लेडीज़ का जैसा, जेंट्स का नहीं है, ये लेडीज़ जैसा दिख रहा है। ये 39 यानी 40 दरहम का ये है, ये टी शर्ट कितने का है 50 दरहम, यानी 49.99 है तो 50 हो गया ना, 50 दरहम का है, 50 दरहम का मतलब हो गया ये 1200 रुपये का है, ये इंडिया का 1200 का। अब आप लोग देखना तो बताना कि ये 500 में मिल जाएगा कि नहीं, इंडिया में, इंडिया में 500 में मिल जाएगा, यहाँ जो है दाम कटता है बहुत ज़्यादा, बस देखने में कम लगता है यहाँ पैसा, यानी 50 दरहम देना है, बस सोचना है ये है कि 50 ही दे रहा हूँ। इंडिया में 12 नंबर ही गिनेंगे आप, एक 100-100 का 12 नंबर ही गिनेंगे, यहाँ सिर्फ 50 देंगे, यही फर्क लगता है बस। अब ये टी शर्ट देखो कितने का आई है, 69 यानी 70 का आई है, ये 70 दरहम का, तो ये हो गया 7×14 यानी तकरीबन 1800 के भी हो गया लगभग लगभग,
देखा अब क्या दिखाऊं आप लोगों को, कपड़े में तो सब यही रहेगा लगभग लगभग ऐसा ही, ठीक है। अब चलता हूं मैं आप लोगों को सुफियान के लिए, ट्रैक पैंट लेना है बच्चों लोगों के लिए, ये देखता हूँ कैसा है, सही है कि नहीं। ये तो सुफियान में आ जाना चाहिए, ये शेबू में आ जाएगा। ये कितने का है, ये 40 दरहम यानी 39.99 है ना, 40 दरहम, तो ये हो गया आपका इंडिया में मिलेगा 100 रुपये का, लेकिन वो कपड़ा अलग रहेगा ना, क्वालिटी के फ़र्क रहेगा। इंडिया में 100 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन ये अभी कितने का हो जाएगा, यहाँ लेंगे ना 4 × 8 यानी 1100-1100 रुपये का पड़ेगा ये। लेकिन कपड़ा अच्छा है, सॉफ्ट है, और आपके कपड़े ये पहनने पर फुंसी वगैरह नहीं होगा, घुमड़िया नहीं होगा, ये सब फ़ायदा है, ठीक है। देखते हैं, पहले देख लेता हूँ जो जो पसंद पड़ेगा फिर ले लेंगे। अब चलने के लिए तैयारी है ना इंडिया, अब इंडिया आ रहा हूँ, वहाँ रहेंगे कुछ दिन, फिर वहाँ का बना बना के दिखाऊंगा नया नया चीज़ सब। यहाँ का तो बहुत कुछ दिखाया आप लोगों को, दुबई दिखा दिया लगभग लगभग, बहुत सारे चीज़ें आप लोगों को, जो दुबई नहीं आए हैं यहाँ से बैठे बैठे दुबई देख लिए सब लगभग लगभग, बहुत शहर दिखाया, मॉल्स दिखाए, खाना पीना दिखाया, हर चीज़ तो दिखाया। ये सब देखिए, ये पंप है साइकिल में हवा करने वाला, ठीक है, ये हल्का है, ये सब सही है, ये पंप है। कितने का है, 30 दरहम का है, 30 दरहम का मतलब हो गया 700-750 रुपये हो गया, लेकिन सही है ना, अच्छा है। फुटबॉल वगैरह में या कोई चीज़ में, साइकिल में हो जाएगा। सब अलग अलग टाइप के हैं, ये कौन सा है, चाइना है, ये चला तो शाम तक नहीं चला है, चला तो चांद तक नहीं, चला तो शाम तक, चाइना का ये मतलब होता है, चल जाएगा तो एकदम चांद तक चला जाएगा ऊपर, नहीं चलेगा तो सुबह खरीदिए शाम तक खराब हो जाएगा, ठीक है। तो सुफियान बेटा, बाद में मेरे को दोष मत देना तुम लोग, मैं अपने हिसाब से पूछ लिया सब क्या चाहिए क्या नहीं, तुम बोल रहे हो नहीं चाहिए तो ठीक है, ज़बरदस्ती तो लाऊंगा नहीं मैं। ये सब छोटे छोटे बच्चों लोगों के लिए है, जो होटल वोटल में लोग रख देते हैं खाना खाने के टाइम में, चाहे घर में भी लोग रख देते हैं, इसमें वो गिरते नहीं हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, ये सब तो है घर में रखने के लिए। दाम नहीं लिखा हुआ, दाम किधर है इसका, ये सब बच्चों लोग के लिए अच्छा है सब। चलिए अब क्या दिखाऊं आप लोगों को, ये तो सब कार और में रखते हैं ना, सीट है ये छोटे बच्चों लोगों के लिए, ये है ताकि गिरेंगे नहीं, उसमें सीट में लगा दिया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं इधर, देखते हैं कुछ कपड़ा पसंद आया अगर बच्चों लोगों के लिए तो ले लूँगा, नहीं तो ज़्यादातर के मैं कपड़ा तो वहीं लेता हूँ आकर के, इंडिया में एक से एक कपड़ा मिलता है, कपड़े के मामले में इंडिया एक नंबर, और इलेक्ट्रॉनिक सामान के मैटर में दुबई अच्छा है, गोल्ड के मामले में दुबई नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक सामान में
इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है दुबई नंबर वन, क्योंकि यहाँ फर्स्ट मतलब कुछ कॉपी शॉपी रहता ही नहीं है, मतलब एकदम जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ओरिजिनल यहाँ आता है। अब आजकल चाइना वाला चलने लगा है, लेकिन आप ओरिजिनल सामान लेना चाहेंगे अच्छे दुकान से लेंगे तो आपको नकली नहीं दे सकता है वो, यहाँ का नियम है। अगर गलत दे दिया छापा पड़ते रहता है। या मोबाइल भी जो है दो नंबर का मोबाइल नहीं बेचते हैं लोग, बेचेंगे छापा पड़ेगा ना, डिपार्टमेंट छापा मारता है, मोबाइल चेक करता है सबकी नकली रखा है क्या रखा है। अगर गलत रखा तो छापे में उसको 50,000 दरहम फाइन, और एक बार वो लोग फाइन मारेंगे, दूसरे बार पकड़ा तो फिर लाइसेंस रद्द कर देंगे हमेशा के लिए वो लोग। ये सिस्टम रहता है सब। अभी कपड़ा के मैटर में देखता हूँ क्या क्या मिल रहा है, कुछ कपड़ा अच्छा दिख गया तो ले लूँगा मैं। ये क्या है, स्विच वाला आइटम, ये सब नहीं लेना इधर से। बच्चों लोग का कपड़ा किधर है, ये कितने का है, 19 दरहम, 19 ना 20 दरहम, 1999 है, 20 दरहम यानी 500 रुपया इंडिया का, सबका वही दाम है, सेम सबका दाम वही है 20 दरहम, कोई भी कलर लीजिए 20 दरहम का है। लेडीज लोग का है, तेल सब पहन के तो नहीं चल सकते हैं, पाँव मुड़ जाएगा, वो जिसको आदत रहता है पहनने के लिए वही पहन सकता है बराबर। ये कितने का मिलता है, सिर्फ दाम दिखा देता हूँ कितने का है, 119 दरहम यानी समझ लीजिए 3,500, ये 3,000 का है, 3,000 हो गया इंडिया का, 3,000 में एकदम ज़बरदस्त मिलेगा, इंडिया में मिलता है, दाम महंगा रखा है इसने। चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोग को, बच्चों लोगों के खिलौना लेने का है, बच्चे लोग बोलते हैं कि जाके दिखाना फ़ोटो पसंद आएगा तो हम लोग बोलेंगे तो ले लेना, तो उनको दिखाता हूँ, साथ साथ मैं आप लोग भी दिखा रहा हूँ क्या क्या चीज़ सब कितने रेट के मिलता है। यानी कि जितना आइटम है सब तो अपने इंडिया में मिलता है, एक से एक मिलता है, लेकिन रेट के फ़र्क रहेगा सिर्फ। जैसे ये जो है देखो कितना महंगा है, यहाँ लेंगे तो 429 दरहम का है, ठीक है, तो अपना यहाँ कितना का हो गया, 4 × 2 = 8, तकरीबन 10,000 का हो गया, ये लगभग लगभग 10,000 का हो गया, ये अपने यहाँ तो मिल जाएगा 2,500-3,000 का मिल जाएगा ये। और ये स्कूटी है जो यहाँ दुबई में लोग चलते हैं, इस पर सिंगल खड़ा होकर चल जाता है, डबल भी लोग खड़े हो जाते हैं, ये चलते रहते हैं, आप लोग देखते होंगे वीडियो वीडियो में, इसका 700 दरहम दाम है। और ये उससे थोड़ा हेवी है तो इसका दाम ज़्यादा है, पहले था 1,399, अभी है 1,000, यानी इंडिया का ये 24-25 हज़ार का ये हो गया, ये वाला। और इससे महंगा ये है, इसका फंक्शन थोड़ा ज़्यादा है, लाइट वेट भी है इसमें, तो इसका दाम तो नहीं लिखा हुआ है, निकल गया है इसकी पर्ची, तो ये महंगाई होगा, जहाँ तक होगा तो 1,800 से 2,000 से कम में नहीं होगा ये। और ये सब है इसको, ये क्या है, बाइक टाइप का है ये, छोटे बच्चे लोग के चलाने के लिए, रेस वस करने के लिए, कहीं भी मिट्टी में रेती में चलेगा, क्योंकि पीछे का टायर जो है ना, पीछे का टायर जो है और आगे का, वो रेत में चलने वाला ही है। ये 799 यानी 800, 8 × 16 यानी 20-22 हज़ार रुपये का ये भी है, ये भी 20-22 हज़ार का स्कूटी, छोटे बच्चे लोग चलाने के लिए। सुफियान देखता तुमको पसंद आ रहा है क्या, ये चला सकता है तुम, इसे स्कूल जा सकता है चला करके ये स्कूटी से, लेकिन यहाँ से लाना तो मुश्किल है बेटा, जितने का बबुआ ना इतने का झुंझुना हो जाएगा ये, उससे ज़्यादा लगेज लग जाएगा उसको। सिर्फ दिखा दे रहा हूँ, हल्का आइटम पसंद करना मैं ले लूँगा, ठीक है, ये सब दिखा रहा हूँ सब कितने कितने का मिलता है, आप लोग भी देखिए, ऑफ़र में है तो 379 का है ये, इस पर भी खड़े होकर बच्चे लोग चलाते हैं ना, ये सब है। ये 65 दरहम का है,
आजकल बहुत बच्चे जो हैं अपने यहाँ भी चलाते हैं बहुत ज़्यादा। मैं देखता हूँ मेरे बिल्डिंग में भी बहुत सारे लड़के रखे हुए हैं ऐसा, पहले भी मैं लेके गया था, अभी देखता हूँ तादाद बढ़ गया, बहुत सारे लड़के अभी ऊपर खेलते हैं सब मेरे फ्लोर पर। मैं देखता हूँ ये कितना का है, 119 दरहम का है, तो यानी हो गया ये 1700-1800 रुपया हो जाएगा इसका, 1700-1800, सॉरी सॉरी, तो 119 है ना, 119 का तो ऐसा ही हो गया, ये आपका 24-25 का रेट चल रहा है, तो जोड़ेंगे तो 2500 हुआ फिर उसका, यानी 3000 के लगभग में ये है, ये 3000 के लगभग में। कभी कभी बोलने में मिस्टेक हो जाता है आदमी, सबका रेट दिखा देता हूँ, रेट आप लोग जोड़ लेना, 24-25 का रेट चलता है, 85 का है, ठीक है। मेड जो है जापान है, कोरिया है और चाइना है, जैसा मेड है वैसा वैसा दाम है इसका, चाइना वाला के थोड़ा कम रेट रहता है, जापानी कोरिया वाला के थोड़े ज़्यादा रहता है, एक से एक है सब आइटम। एक ये भी है, ये कितने का है, 189 तकरीबन, ढाई तकरीबन 4-4500 के भी है, ठीक है ना। अब इधर दिखा देता हूँ बच्चों लोग के खेलने के लिए, जेसीबी है ये, ऊपर है सब, ये सब तो ले जाना बेवकूफ़ी है, मैं अच्छा चीज़ दिखा रहा हूँ जो कि लेके जा भी सकूँ। अभी सुफियान को मैं पसंद कराया था एक गाड़ी, तो बोलता है कि तुम्हारा मर्जी, मर्जी करे तो ले लेना, नहीं मर्जी करे मत लेना, यहाँ से ले लेना इंडिया से। बहुत समझदार है सुफियान, बहुत समझदार है। ये साइकिल देखिए कितने का है, पहले था 599 का, ये साइकिल अभी 170 का है, ये अभी 170। ये कितने का है, ये 299, यानी 300, 3 × 6, 7000 का है, ये 7000 का हुआ इंडिया का, ठीक है। सुफियान गाड़ी पसंद किया था अभी थोड़ी देर पहले, मैं दिखाया था इधर, किधर गया, ये गाड़ी है, किधर गया, हाँ ये वाला, फिर समझदार है वो, बोला कि नहीं मत लो पापा, बहुत भारी हो जाएगा, तुमको लाने में दिक्कत होगा एयरपोर्ट में। मैं बोला कब से दिमाग आ गया बेटा, बोलता है हमेशा दिमाग है मेरे पास, ये देखिए 229 दरहम का है, यानी 5200 का 5000, ये आप जोड़ लो 1000, यानी 6000 का है ये गाड़ी, ये 6000 का है। यहाँ के बच्चों के लिए शौक़ पूरा करने के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ कम मतलब पैसा लगता है ना लगा, वही अपना इंडिया का कैलकुलेट करते तो ज़्यादा हो जाता है, जो लोग भी यहाँ रहते हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा है, जो मर्जी करे वो ख़रीद लो, 1500 में ऐसा ऐसा सामान मिलता है जो कि इंडिया में मिलेगा 50,000-60,000 का। दूसरा एक और पसंद किया था उसने, ये दूसरा गाड़ी उसने ये पसंद किया था, तो ये तो ले लूँगा क्योंकि हल्का है, ले लूँगा ये क्या बोलते हैं इसको, रिमोट पर चलता है क्या भी बोलते हैं इसको, रिमोट है क्या ये। मैं बोला कौन सा कलर लूँगा, बोला कि अपने पसंद से ले लेना, तो देखेंगे अपनी पसंद से ले लूँगा ताकि उसको भी पसंद आना चाहिए। फिर इधर से मैं बोला कोई चाहिए, तो बोला नहीं इधर से नहीं चाहिए, फिर उसको मैं बोला ये ले लो, आजकल ज़्यादा बच्चे लोग ये चला रहे हैं ये ड्रोन वाला, तो बोलता है नहीं मतलब, सीधा ही मना किया मेरे को। मैं बोला लेके आऊँ बेटा ड्रोन का, इधर भी है ये वाला ड्रोन है, मैं बोला लेके आऊँ, बोलता है ना ना मत लाइए। मैं अपने मर्जी से सोचा था यही ले जाऊँ, या तो ये ले लूँ हेलीकॉप्टर ले लूँ खेलेगा, तो बोलता है कि नहीं ये भी नहीं, ना जाने क्यों ऐसे कुछ भी बोलता हूँ, बोलता ना मत लाओ मत लाओ मत लाओ।
फिर सेकंड नंबर है उससे जो बड़ा है शेबू, उससे पूछा तो वो बोलता है नहीं पापा मेरे लिए कुछ मतलब। मैं बोला क्यों बेटा नाराज़ हो रहा है, मैं सुफियान से बोलता हूँ तो तुमको भी बोलता हूँ तुम ले लो, तो बोलता है नहीं पापा नहीं नहीं नहीं। तो मैं बोला चलो जब तुम लोग को नहीं चाहिए तो ज़बरदस्ती थोड़े लाऊंगा मैं, ठीक है। अब आप लोग को ये तो सब